हेलो एवरीवन, मैं सरफराज खान फिर से आ गया हूँ आप सबके लिए वीडियो लेके। और अक्टूबर मंथ 2020 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पास हुए, तो आइए उसे डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से। कोर्ट के नॉट रिफ्यूज टू हेयर बेल एप्लीकेशन ऑन मेरिट्स सेइंग दैट अक्यूज्ड वेंट बैक ऑन प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट। इस केस में एप्लीकेंट के अगेंस्ट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग जैसे ऑफेंस से रिलेटेड एक FIR लॉन्च की गई, जिसकी अगेंस्ट अक्यूज ने इंटरिम बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई किया। और उन्होंने ये कंडीशन रखी कि अगर उनकी अरेस्ट नहीं होती है तो वो बाहर रह के सारी पेमेंट्स को सेटल कर देंगे, जिन पेमेंट्स से रिलेटेड उनके अगेंस्ट से FIR लगाई गई थी। पर उन्होंने ये कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी अरेस्ट हो गई और सब्सिक्वेंटली उन्होंने रेगुलर बेल की एप्लीकेशन मद्रास हाई कोर्ट में लगाई। और उन्होंने ये कहा कि कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से वो इंटरिम बेल की कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाए। एप्लीकेंट के इस रिस्पांस को मद्रास हाई कोर्ट ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने रेगुलर बेल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। पर जब इस रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट एक SLP लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि भले ही इंटरिम बेल की कंडीशंस को एप्लीकेंट ने फुलफ़िल ना किया हो, सिर्फ इसी ग्राउंड पे रेगुलर बेल के एप्लीकेशन को कोई भी कोर्ट या हाई कोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकता। राइट टू डिफॉल्ट बेल इज़ एनफोर्सेबल इफ़ चार्जशीट रिपोर्ट सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम इज सब्सिक्वेंटली फाइल। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर किसी पर्सन की अरेस्ट कर ली जाती है तो 24 आवर्स में उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पड़ता है। पर अगर ऐसा नहीं हो सका तो अक्यूज को नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उन्हें सेक्शन 167 CRPC के अंदर 15 डेज की रिमांड दे सकता है। पर अगर 15 डेज में भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है तो अगर केस डेथ, LI या 10 साल की सज़ा से ऊपर का ऑफेंस है तो 90 डेज की रिमांड, और अगर कोई अदर ऑफेंस है तो 60 डेज की रिमांड दे सकता है। पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करता है कि अगर डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दी गई है और उसके बाद अगर कोई चार्जशीट, रिपोर्ट या एडिशनल कंप्लेंट फाइल की जाती है, फिर भी अक्यूज डिफॉल्ट बेल पा सकता है। पर अगर चार्जशीट, एडिशनल कंप्लेंट या कोई रिपोर्ट फाइल की जाती है और उसके बाद राइट टू डिफॉल्ट बेल यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशन लगाया जाता है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट अपना डिस्क्रिशन यूज़ करके अक्यूज को डिफॉल्ट बेल पे छोड़ने से मना कर सकता है। और कोर्ट ने इस केस में ये भी हेल्ड किया कि जब भी अक्यूज की राइट टू डिफॉल्ट बेल अराइज होती है, उनका डिफॉल्ट बेल पाने का अधिकार उत्पन्न होता है, तो कोर्ट्स की ये ड्यूटी होती है कि ये चीज़ अक्यूज को वो बताएं। कोर्ट कैन नॉट इम्पोज कंडीशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी वाइल ग्रांटिंग डिफॉल्ट बेल। ये केस भी डिफॉल्ट बेल से रिलेटेड है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करता है कि अगर डिफॉल्ट बेल कोई भी कोर्ट अक्यूज को देता है तो उस समय ये कंडीशन नहीं लगाई जा सकती कि उन्हें कुछ अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा। पर डिफॉल्ट बेल पाने के सिर्फ दो ही रिक्वायरमेंट होते हैं, कि अक्यूज ने 60 या 90 डेज का समय जेल में बिता दिया हो और इस टाइम पीरियड के बीच में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई हो। सो इस अक्टूबर के मंथ में बेल से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए। सो मैं होप करता हूँ कि आने वाले सिविल जज के मेंस में बेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आए और आप सभी लोग ये जजमेंट्स अपने मेंस के आंसर में डालें। देर इज डिफरेंस बिटवीन इनरिबटेबल केस एंड अनरिबटेबल एविडेंस। इस केस को समझने के लिए हमें सेक्शन 245 ऑफ CRPC लैंग्वेज को समझना होगा, जो कहता है कि इफ़ अपॉन टेकिंग द एविडेंस रेफर्ड इन सेक्शन 244, द मैजिस्ट्रेट कंसिडर्स फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड दैट नो केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड हैज़ बीन मेड आउट विच इफ अनरिबटेड वुड वॉरेंट हिज कन्विक्शन, द मैजिस्ट्रेट शैल डिस्चार्ज हिम। सो ऐसी डिफिकल्ट लैंग्वेज की वजह से एक डिस्प्यूट अराइज हुआ कोर्ट के सामने कि जब भी अक्यूज्ड को डिस्चार्ज करने की बात उठेगी तो कोर्ट ज़्यादा एम्फेसिस, ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज़ को देगा, कि एविडेंस अक्यूज्ड के अगेंस्ट पर्याप्त या सफिशिएंट नहीं था, या इस चीज़ को कि अक्यूज्ड अगेंस्ट केस नहीं बनता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि 244 CRPC के अंदर एविडेंस लेना सिर्फ एक प्राइमरी स्टेज होती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, पर मेन इम्पॉर्टेंस या मेन पॉइंट ये होता है किसी अक्यूज को डिस्चार्ज करने का कि उसके अगेंस्ट केस बन रहा है या नहीं, अगर वो एक वारंट केस है। इस केस में स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस सुरेश राजन के केस को रेफर किया गया,
जिसमें कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सेक्शन 245 एक ऐसी स्टेज नहीं होती है जिसमें कोर्ट एविडेंस को अप्रिशिएट करे और अक्यूज को इस तरीके से डिस्चार्ज करे कि वो एक अक्यूज को एक्विटल दे रहा है, दोष मुक्ति दे रहा है. रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR नॉट रिक्वायर्ड इन सीक्रेट रिपोर्ट दैट ऑफेंस इज अबाउट टू ऑकर. सो जैसे अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की रिपोर्ट या इन्फॉर्मेशन स्टेशन ऑफिसर को मिलती है तो वो उसे एक FIR के रूप में रजिस्टर कर देते हैं. पर ललिता कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ UP 2014 के केस में ये हेल्ड किया गया था कि अगर ऑफेंस अभी कमिट नहीं किया गया है, सिर्फ एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन स्टेशन ऑफिसर को मिली है, तो ऐसे केसेस में FIR रजिस्टर्ड करना एक ज़रूरी या एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो इस प्रेजेंट केस में NDPS एक्ट में दिया गया एक ऑफेंस कमिट किया गया था जिसमें चार अक्यूज पर्सन की अरेस्ट कर ली गई थी बिना FIR लॉन्च किए. सो अक्यूज के काउंसिल ने कोर्ट में ये प्ली ली कि जब कोई FIR ही लॉन्च नहीं की गई है सो अरेस्ट इलीगल है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ललिता कुमार के केस को रेफर किया और ये कहा कि ऐसे केसेस में FIR लॉन्च करना एक असेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, इंडियन पीनल कोड. एलिगेशंस इन मैट्रिमोनियल केसेस कैन लीड टू क्रिमिनल डिफामेशन. इस केस में वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कॉन्जुगल राइट से रिलेटेड एक केस फाइल किया जिसके अगेंस्ट में हस्बैंड ने सेक्शन 500 IPC के एलिगेशंस वाइफ पे लगाए. सो सेक्शन 499 डिफॉर्मेशन को डिफाइन करता है जो हमें बताता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे पब्लिश कर दिया गया और जिसकी वजह से किसी पर्सन की रेपुटेशन को हार्म या हानि पहुंची है तो डिफॉर्मेशन का ऑफेंस कमिट हो जाता है. सो इस केस में दो डिस्प्यूट उठे थे कि क्या ऐसे स्टेटमेंट्स जो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग एक कोर्ट में कहे गए हैं तो क्या ऐसे स्टेटमेंट्स सेक्शन 499 की डेफिनेशन के अंदर आते हैं और क्या ऐसे स्टेटमेंट्स को माना जाएगा कि उनका पब्लिकेशन हो गया क्योंकि ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बोले गए हैं. सो कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया कि हाँ ऐसे स्टेटमेंट्स सेक्शन 499 की डेफिनेशन में आते हैं और ऐसे स्टेटमेंट भले ही ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो और अगर इनको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में दे दिया गया है या बोल दिया गया है तो ये माना जाएगा कि उनका पब्लिकेशन हो गया है. और ये कहते हुए हाई कोर्ट ने वाइफ को सेक्शन 500 IPC के अंदर कन्विक्ट कर दिया. कंटेंट ऑफ स्पीच इनडायरेक्टली रेफर्स टू टू रिलीजन इन फॉर्म ऑफ इन्यूएंडो. ये केस सेक्शन 153 ऑफ IPC से रिलेटेड है जो हमको एक ऑफेंस बताता है कि जिसके अंदर कोई पर्सन अपने वर्ड्स अपने स्पीच के द्वारा दो रिलीजन्स के बीच में एनिमिटी या विरोध पैदा कर देता है तो वो सेक्शन 153 के अंदर लायबल होता है. इस केस में एप्लीकेंट ने पब्लिकली एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कोई भी दो कम्युनिटी या रिलीजन का नाम नहीं लिया था पर इनडायरेक्टली उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स कहे थे जिसकी वजह से दो रिलीजन के बीच में एनिमिटी आ गई थी. तो इस केस में यही डिस्प्यूट उठा था कि क्या इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स भी सेक्शन 153 के अंदर इंक्लूडेड हैं. तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया कि जो स्पीच है वो भले डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो पर सेक्शन 153 कमिट करने के लिए असेंशियल रिक्वायरमेंट सिर्फ ये होती है कि दो रिलीजन्स के बीच में विरोध या एनिमिटी आ गई है. और ये कहते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने एप्लीकेंट को 153 IPC के अंदर गिल्टी पाया. सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड. कोर्ट शुड टेक अ लीनियंट व्यू वाइल कंसिडरिंग एप्लीकेशन ऑफ डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस एडिशनल डॉक्यूमेंट. सो ऑर्डर 8 रूल 1A एक ड्यूटी इम्पोज करता है डिफेंडेंट के ऊपर कि जब भी वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हैं तो साथ ही साथ उनको एक लिस्ट भी फाइल करनी पड़ती है जिसमें डॉक्यूमेंट्स का विवरण होता है जो वो अपने डिफेंस में यूज़ करना चाहते हैं. सो एक ऐसा केस जिसमें डिफेंडेंट एक डॉक्यूमेंट को उस लिस्ट में नहीं डाल पाए तो क्या ऐसा डॉक्यूमेंट वो लेटर स्टेज ऑफ दी प्रोसीडिंग्स में पेश कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं. तो ऑर्डर 8 रूल 1A का सब रूल 3 हमें एक डिस्क्रिशनरी पावर बताता है कोर्ट का कि अगर कोर्ट डिफेंडेंट को परमिशन दे देता है तो डिफेंडेंट ऐसे एडिशनल डॉक्यूमेंट को फाइल कर सकता है, पेश कर सकता है. पर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेजेंट केस में ये हेल्ड किया कि जब भी कोर्ट्स ये डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करेंगे तो उन्हें एक लीनियंट व्यू लेना है, सदैव पूर्वक डिफेंडेंट के एप्लीकेशन को ट्रीट करना है ना कि उनके एप्लीकेशन को स्ट्रिक्टली ट्रीट करना है.
All stay orders in civil or criminal proceedings passed by court, including high courts, to automatically expire within 6 months of period. इस केस में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड बॉम्बे हाई कोर्ट के बीच में एक डिस्प्यूट अराइज हुआ, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में स्टे के ऑर्डर्स पास कर दिए थे और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को इसी केस की प्रोसीडिंग्स को फिर से स्टार्ट करना था। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेनेंट को डायरेक्शन दी कि वो एक ऐसा एप्लीकेशन लगाए हाई कोर्ट में और इस स्टे को सेट असाइड कर लें, जिसमें एक बहुत लंबा पीरियड टाइम पीरियड कंज्यूम हो गया था। तो जब ये ग्रीवियंस लेके एप्लीकेंट सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया कि भले ही कोई भी प्रकार का स्टे ऑर्डर पास किया गया हो कोर्ट के द्वारा, भले ही वो हाई कोर्ट हो, तो ये स्टे ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली 6 मंथ के पीरियड के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं। पर जब तक कोई गुड रीज़न या कुछ सफिशेंट कॉज एप्लीकेंट कोर्ट को नहीं बता देता, उस स्टे ऑर्डर को कंटिन्यू रखने के लिए। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, इंडियन एविडेंस एक्ट। सो राइट ऑफ अक्यूज्ड टू क्रॉस एग्जामिनेशन कैनॉट बी क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस ऑफ हिज काउंसिल, कोर्ट टू प्रोवाइड लीगल एड काउंसिल। सो इस केस में ट्रायल कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने एप्लीकेंट के क्रॉस एग्जामिनेशन करने के अधिकार को मना कर दिया। जब और इसका रीज़न ट्रायल कोर्ट ने दिया कि जिस दिन क्रॉस एग्जामिनेशन करने की डेट फिक्स की गई थी, उस डेट पे एप्लीकेंट के काउंसिल कोर्ट में प्रेजेंट नहीं थे कुछ अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। तो जब इस ऑर्डर को सेट असाइड कराने के लिए एप्लीकेंट हाई कोर्ट मूव किया, तो हाई कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया कि क्रॉस एग्जामिनेशन करने की स्टेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है, और अगर उस दिन एप्लीकेंट के काउंसिल प्रेजेंट नहीं है, तो कोर्ट अपने सेक्शन 482 CRPC की इनहेरेंट पावर को यूज़ करके एप्लीकेंट या उस पार्टी को एक लीगल एड काउंसिल प्रोवाइड कर सकते हैं। रिलेटेड विटनेस टेस्टिमनी इफ फाउंड ट्रुथफुल कैन बी अ बेसिस ऑफ कन्विक्शन। इस केस में 5 अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट सेक्शन 148, 302 एंड 149 IPC के चार्जेस लगाए गए, और जब उनके केस का ट्रायल स्टार्ट हुआ, तो एक रिलेटेड विटनेस ने अपनी टेस्टिमनी दी और ये कहा कि उसने 5 अक्यूज पर्सन को डेडली वेपन लेके वो ऑफेंस कमिट करते हुए देखा। सो इस केस में रिलेटेड विटनेस की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता पे क्वेश्चन उठाया गया। सो एक ऐसा विटनेस जो विक्टिम या डिसीज पर्सन या एक ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट किया गया, उसका कोई रिलेटिव हो, तो हम उसे रिलेटेड विटनेस कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया कि अगर रिलेटेड विटनेस ट्रस्ट वर्थी लगता है, भरोसे करने के लायक लगता है, तो उसके स्टेटमेंट के आधार पे भी कोर्ट्स कन्विक्शन दे सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हैबियस कॉर्पस रिट फॉर चाइल्ड कस्टडी मोस्ट सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन इज वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। सो ये केस चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड है और हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट एक हैबियस कॉर्पस की रिट हाई कोर्ट में लगाई और हाई कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में चाइल्ड की कस्टडी का ऑर्डर कर दिया। पर हाई कोर्ट ने हस्बैंड के ऊपर 2 कंडीशंस लगाई। पहली ये कि उन्हें हेल्थ ऑफिसर से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि बेंगलुरु की जिस रेजिडेंस में चाइल्ड अभी रह रहा है वो कोविड फ्री है, और सेकेंड कंडीशन कि जब वो यूनाइटेड स्टेट्स जाएंगे और जो रेजिडेंस में वो जाके रहेंगे वो रेसिडेंस भी कोविड फ्री है। सो इन्हीं 2 कंडीशंस के अगेंस्ट हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जब भी हैबियस कॉर्पस की रिट चाइल्ड से रिलेटेड है, चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन या सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है चाइल्ड की सेफ्टी एंड चाइल्ड का वेलफेयर, और सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को दोनों ही कंडीशन फुलफिल करने के ऑर्डर दे दिए। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट फाइल्ड विद इन लिमिटेशन कैनॉट बी डिसमिस्ड ऑन ग्राउंड ऑफ डिले एंड लैचेस। इस केस में एक इमोबल प्रॉपर्टी के सेल की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिस्प्यूटेड थी। जब इस केस की अपील हाई कोर्ट में लगाई गई, तो हाई कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि ट्रायल कोर्ट ने इस केस की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने में 27 ईयर्स का लंबा समय ले लिया। तो एप्लीकेंट ने ये प्ली लगाई कि इस 27 ईयर्स के लंबे समय में प्रॉपर्टी की जो है प्राइस बढ़ चुकी है, तो वो इंक्रीज्ड प्राइस भी एप्लीकेंट को दिलवाया जाए। पर इसके अगेंस्ट डिफेंडेंट ने ये प्ली ली कि इतने लंबे समय पीरियड के बाद उस प्रॉपर्टी का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना वॉइड होगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया
कि सेक्शन 20 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। तो कोर्ट ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके ऐसा इंक्रीज प्राइस एप्लीकेंट को दिलवा सकता है। और कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि कोर्ट की गलती की सज़ा प्लेंटिफ को नहीं दी जा सकती जब प्लेंटिफ ने लिमिटेशन पीरियड के अंदर रहते हुए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर दिया था। सो गाइस, जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे इस लॉ क्लासरूम में, अगर आप चाहते हैं कि हम इतनी ही सिंपल लैंग्वेज में सिविल जज या BLLB के कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर भी वीडियो बनाएं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम या उस सब्जेक्ट का नाम नीचे डाल दीजिए, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने की। सो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ दिवाली टू ऑल ऑफ यू।